अगर कुछ बनने की ललक हो और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गोंडा के विकासखंड इटियाथौक क्षेत्र के दुलमपुर बनकटवा के रहने वाले 78 साल के बुजुर्ग रामकरण प्रजापति, जो पेशे से एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और सन 1997 में इन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। यह बहुत ही गरीब परिवार के हैं और अब 2020 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में इन्होंने कला वर्ग से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए मन में ठानी है और कल इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र गोंडा के मनकापुर क्षेत्र के एपी इंटर कॉलेज में परीक्षा दी है। इन्होंने मुजहना शिक्षा क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पेड़ारन से यूपी बोर्ड का परीक्षा का फॉर्म भरा था। अब आगे की परीक्षा के घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। गोंडा के इटियाथौक विकासखंड के दुलम बनकटवा गांव के रहने वाले रामकरण प्रजापति 78 साल के हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1942 में हुआ था और 1997 में जनता इंटर कॉलेज इटियाथौक से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। मौजूदा समय में एक निजी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने इंटर की परीक्षा पास करने के लिए, उनकी तमन्ना है कि वह इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने जीवन में मिले या कुछ ना मिले। इनके दो बेटे हैं जिसमें से एक बेटा साइकिल का पंचर बनाने का काम करता है। आज के समय में जहां लोग बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए पढ़ाई के पीछे भागते है तो 78 साल की बुजुर्ग ने केवल इंटर की परीक्षा पास करने के लिए ही इंटरमीडिएट का फॉर्म भर दिया और अब परीक्षा की तैयारी करते हुए परीक्षा दे रहे हैं। नरम मिट्टी ले आओ। अरे नहीं है, नरम मिट्टी है उनके पास, बनाओ थे तो। इधर ताका, इधर बनाई लो तब बस बनाई। में पास किया। अच्छा, अब ये रूल निकल गया कि नॉमिनेशन हो जाए, लेकिन हमारी इच्छा रहा कि इंटर कर ले तो और अच्छा है, कोई सर्विस मिले चाहे ना मिले। कल कौन सा पेपर था आपका? हिंदी। तैयारी कैसे करो तो दादा, कैसे पढ़ रहे हो? प्राइवेट, ये घर है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? ये मट्टी काम जो है करते थे, बर्तन बनाते थे। लड़के वाले क्या करते हैं? पंचर बनावते हैं, उन्हों बनावते हैं, छुट्टियां पावत है, नहीं तो साइकिल पंचर बनावते हैं। कितने बच्चे हैं? क्या बच्चे हैं दादा? दो लड़के हैं, दिनेश कुमार और विनय, एक तो लड़की है और पतुआ है।